आज का हम लोग का नया टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन। बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन जो है अगर हम बात किया जाए तो रिप्रोडक्शन कितने शब्दों से मिलकर के बना है इसके बारे में हम लोग पहले बात करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है रिप्रोडक्शन। जो रिप्रोडक्शन होता है दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक होता है री और दूसरा होता है प्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन री मीन्स होता है पुनः और प्रोडक्शन मतलब उत्पन्न करना, अर्थात किसी भी जो जीव है जीव के द्वारा किसी नए जीव की पुनः उत्पत्ति करना। अगर हम इसके डिफिनेशन की बात करें कि रिप्रोडक्शन की डिफिनेशन क्या हो सकती है तो कह सकते हैं कि ए पेरेंट्स रिप्रोड्यूस ए न्यू जनरेशन विद और विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, कह सकते हैं कि सभी जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने समान जीव उत्पन्न करते हैं। जब कोई भी जीव किसी नए जीव की उत्पत्ति करता है तो वह एक जन्म की प्रक्रिया के द्वारा होता है और इस जन्म की प्रक्रिया के द्वारा उसी के समान एक नए जीव की उत्पत्ति होती है और इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। अगर बात किया जाए कि रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है, चूंकि आजकल जो चल रहा है सभी बोर्ड्स में सभी में एनसीईआरटी पैटर्न लागू है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें रिप्रोडक्शन की तो रिप्रोडक्शन की जो प्रक्रिया होती है ये दो प्रकार से होती है, यानी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर रिप्रोडक्शन के प्रकार की बात किया जाए तो ये दो प्रकार का होता है, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दो प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं इसकी बात किया जाए या इसके उत्पन्न संतान को हम क्या कहते हैं, ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से उत्पन्न संतान को हम और क्या कह सकते हैं, ये क्वेश्चन नीट 2016 में आ चुका है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो उत्पन्न होती है जातियां वो एकदम सिमिलर होती है उसके पेरेंट्स से, कह सकते हैं दे आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, इट इज आल्सो नोन एज क्लोन। सो हम कह सकते हैं कि इसमें जो भी यहां पर नई जो पीढ़ी नई जनरेशन यहां उत्पन्न हो रही है वो एकदम सिमिलर होगी अपने पेरेंट के, और जब सिमिलर होगी पेरेंट के तो हम उसको कह सकते हैं कि दे आर क्लोन टू देयर पेरेंट्स, या कह सकते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा उत्पन्न हो सकता। अगर हम बात करें पहले अगर यूपी बोर्ड की, तो यूपी बोर्ड में जब एनसीईआरटी पैटर्न नहीं था तो उस समय एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी आता था, लेकिन करंट टाइम की अगर हम लोग बात करें तो एनसीईआरटी पैटर्न में केवल दो है, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें कई सारे मेथड होते हैं, उस मेथड की भी हम लोग बात करेंगे। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये इससे उत्पन्न जो संतान होती है वो क्लोन होता है। रीजन क्या होता है, क्लोन क्यों होती है, तो क्लोन होने का रीजन ये होता है कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो पहले हम लोग बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें क्या क्या चीज नहीं पाया जाता है या क्या ऐसा होता है कि जिससे जो पीढ़ी उत्पन्न हो रही है, जो न्यू जनरेशन उत्पन्न हो रही है, वो न्यू जनरेशन सिमिलर है अपने पेरेंट्स। उसका रीजन पहला तो ये रीजन होता है कि इसमें इस पूरी प्रक्रिया में, इस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में कहीं पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, यानी कि नो फर्टिलाइजेशन, कह सकते हैं इसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है। सो सिंपल, यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो यानी कि यहां पर जो है किसी दो गैमेट के बीच में फ्यूजन भी नहीं होगा, एक ही स्पोर्स है
वो स्पोर जो है डेवलप करके एक नए प्लांट से एक नए एनिमल को उत्पन्न कर देगा। तो पहला प्रोसेस यहां पर इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। जब फर्टिलाइजेशन नहीं है तो गैमेटोजेनेसिस के लिए यहां प्रोसेस होने की कोई संभावना नहीं है। गैमेटोजेनेसिस तब होता है जब गैमेट का आपस में फ्यूजन होना हो, यानी ट्रांसफ्यूजन की प्रोसेस में गैमेट बनते हैं, लेकिन यहां पर गैमेटोजेनेसिस भी नहीं होता। दूसरी प्रोसेस में होती है नो गैमेटोजेनेसिस, नो गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मींस होता है द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। तो यहां पर क्या है, गैमेट का फॉर्मेशन भी नहीं होता है, तो इसमें गैमेटोजेनेसिस भी नहीं होगी। अब गैमेटोजेनेसिस नहीं है तो फर्टिलाइजेशन नहीं है। गैमेटोजेनेसिस की एक प्रोसेस में जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है उस समय एक डिवीजन होता है मियोसिस से डिवीजन। क्योंकि हमने कहा कि इसमें गैमेटोजेनेसिस नहीं हो रहा है, अब जब गैमेटोजेनेसिस नहीं हो रहा है तो वहां पर जो सेल डिवीजन है मियोसिस सेल डिवीजन वो भी वहां पर नहीं होगा, नो मियोसिस डिवीजन। तो इस तरह से इसमें फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि गैमेटोजेनेसिस नहीं होता है। गैमेटोजेनेसिस नहीं हो रहा है दैट्स मीन उसमें जो है मियोसिस सेल डिवीजन भी नहीं पाया जाएगा। तो जो वहां पर ऑर्गेनिस्म का जो भी स्पोर होगा या गैमेट होगा वही डेवलप करके एक नए जनरेशन को उत्पन्न कर दे। तो ये इसके सबसे यूनिक चीज होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। लेकिन अगर हम लोग बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, बात किया जाए अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें सारी चीजें होती है। मीन्स फर्टिलाइजेशन हो रहा है, क्या हो रहा है पहला चीज फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन यहां पर प्रेजेंट है, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो रहा है। जब फर्टिलाइजेशन डन हो रहा है दैट्स मीन यहां पर गैमेटोजेनेसिस भी होगा, यहां पर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट मीन्स गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस भी होगी। अब गैमेट बन रहा है तो दैट्स मीन इसमें मियोसिस सेल डिवीजन भी होगी। अब मियोसिस सेल डिवीजन अगर इसमें हो रहा है तो एक चीज यहां पर देखेंगे, मैंने कहा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नई संतान उत्पन्न होती है वो क्लोन होती है अपने पेरेंट की, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो संतान उत्पन्न होती है वो क्लोन नहीं होती है अपने पेरेंट की। रीजन उसका समझेंगे। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो इस फर्टिलाइजेशन में एक मेल गैमेट होता है और दूसरा जो है एक फीमेल गैमेट होता है। यानी फर्टिलाइजेशन किसके किसके बीच में हो रहा है, एक मेल गैमेट होगा और एक फीमेल गैमेट होगा, दोनों गैमेट के बीच में फ्यूजन होगा और उस फ्यूजन की प्रोसेस को जो है हम लोग फर्टिलाइजेशन कहेंगे। अब चूंकि यहां पर एक मेल गैमेट किसी मेल का पार्ट है, फीमेल गैमेट किसी फीमेल का पार्ट है, मेल के गैमेट में मेल के लक्षण कुछ वहां पर उसके जो कैरेक्टर्स होंगे वो शो करेंगे, फीमेल जो गैमेट होगा उसमें उस फीमेल के कैरेक्टर शो करेगा। तो डिफरेंट कैरेक्टर आकर के यहां पर कंबाइन कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप के जो यहाँ पर कैरेक्टर है उनका कॉम्बिनेशन हो रहा है। इस कॉम्बिनेशन के द्वारा जो है वहां पर एक नए प्रकार के लक्षणों की उत्पत्ति होती है, क्योंकि यहाँ पर ब्रीडिंग जो है वो इंटरब्रीडिंग भी कह सकते हो रहा है, जिसके थ्रू वहां पर एक नए प्रकार के कैरेक्टर वाले जीव की उत्पत्ति होगी। पहला चीज। दूसरी चीज, जब गैमेटोजेनेसिस होता है इसमें मियोसिस सेल डिवीजन होता है। मियोसिस सेल डिवीजन में अगर हम बात करें तो मियोसिस सेल डिवीजन के जो प्रोफेज फर्स्ट होता है उस प्रोफेज फर्स्ट के पैरेंटिन अवस्था में एक प्रोसेस होती है जिसको हम लोग कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। प्रोफेज फर्स्ट के पैरेंटिन अवस्था में ध्यान रखिए प्रोफेज फर्स्ट में पांच स्टेज है, क्रम से इसको याद रखिए लैक्टोटीन, जाइकोटीन, पेक्टिन, डिप्रोटीन एंड डायकाइनेसिस। तो इसके थर्ड पैरेंटिन अवस्था में एक प्रोसेस होती है जिसको हम लोग कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर कैसे कह सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ जीन इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर, या इसको कह सकते हैं रिकॉम्बिनेशन। दैट मीन वहां पर दो डिफरेंट टाइप के जीन्स के बीच में कॉम्बिनेशन की प्रोसेस होती है और उस कॉम्बिनेशन को हम लोग कह सकते हैं रिकॉम्बिनेशन। यानी कि एक जो गैमेट है या कह सकते हैं एक जो उसके क्रोमोसोम्स, उस क्रोमोसोम से कुछ जीन निकल करके दूसरे क्रोमोसोम के साथ जुड़ते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है रिकॉम्बिनेशन। और रिकॉम्बिनेशन को हम कहेंगे क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो सेल मियोसिस सेल डिवीजन के फर्स्ट प्रोफेज फर्स्ट के पैक्टिन स्टेज में होता है।
इस क्रॉसिंग ओवर के दौरान जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो यहां पर हमने कहा कि एक प्रोसेस होती है रिकॉम्बिनेशन। हमें चीज बताया कि यहां पर होते हैं रिकॉम्बिनेशन, तो इस रिकॉम्बिनेशन के प्रोसेस में भी यहां पर एक्सचेंज ऑफ जीन यानी जीन का अदला बदली होता है, और जब जीन की अदला बदली होगी तो दैट्स मीन यहां पर भी उसका जो मूल लक्षण वो न रह करके बदल जाएगा। इसीलिए जब मूल लक्षण ही बदल गया एक नए प्रकार के कैरेक्टर शो किया, किसकी अगर हम बात करें तो वहां पर हम बात करें तो वहां पर जो है जो उसके पेरेंट्स होंगे उस पेरेंट्स के अगर हम अपेक्षा बात करें तो उसमें लक्षण नए रूप में प्रदर्शित होंगे, और इस प्रकार जो नया जीव उत्पन्न होगा वह नया जीव क्लोन अपने पेरेंट्स का नहीं हो सकता है। तो इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी जनरेशन उत्पन्न होती है चिड़िया आती है उनके वो अपने पेरेंट्स के क्लोन नहीं होते हैं, दे आर डिफर टू पेरेंट्स। तो ये यहाँ पर अपने पेरेंट्स से डिफर करते हैं, बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी जनरेशन यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है वो जनरेशन क्लोन होते हैं। क्लोन किसके होते हैं? अपने जो है देयर पेरेंट्स। तो इस तरह से यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन बनता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पर क्लोन नहीं बनते हैं, क्योंकि यह जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, तो उसमें जो है जो जीन्स होता है जीन में रिकॉम्बिनेशन होता है, और साथ में अलग अलग गैमेट के बीच में ट्रांसफ्यूजन होता है। उस ट्रांसफ्यूजन की प्रोसेस में जो है जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसमें कुछ कैरेक्टर चेंज हो जाते हैं और उससे एक नए प्रकार की पीढ़ी उत्पन्न हो जाती है। ये दो प्रकार के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकार की बात करें टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये डिफरेंट टाइप की इसमें प्रोसेस होती है। जैसे सबसे पहले बात करें कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें बाइनरी फिशन के द्वारा भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, जैसा कि यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बाइनरी फिशन के थ्रू करते हैं। फ्रेगमेंटेशन के थ्रू जो है वहां पर फ्रेगमेंटेशन के थ्रू जो है वहां पर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कर सकते हैं। स्पोलिएशन के थ्रू कर सकते हैं, स्पोलिएशन के थ्रू जो है वहां पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बाय बडिंग के थ्रू होते हैं, बडिंग के द्वारा भी जो है यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है हम बात करें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू भी जो है यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू भी जो है यहाँ पर प्रोपेगेशन के थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में जो होता है देयर आर टू टाइप, दो प्रकार का होता है। एक होता है इसमें जो नेचुरल प्रकार का होता है नेचुरल होता है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, और एक जो होता है वो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। तो ये दो प्रकार के जो है यहाँ पर जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, तो ये कई प्रकार के इसे बायो किस्म के थ्रू भी हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो सकता है, स्पॉलिएशन के थ्रू हो सकता है, बडिंग के थ्रू हो सकता है, जेवन के थ्रू हो सकता है, जेवन भी कह सकते हैं कि जेवन के द्वारा भी ठीक है। तो ये जेवन होता है, ये जेवन जो फ्यूनेरियन जैसे है जिसमें मॉस प्लांट्स होते हैं उस मॉस प्लांट में जेवन के द्वारा जो है फर्टिलाइजेशन होता है, तो जेवन के द्वारा रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। तो ये डिफरेंट टाइप के जो यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं इसके द्वारा अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन सभी कैसे हैं असेक्सुअल टाइप के ही होते हैं। सेकेंड हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है मैंने कहा अभी इसमें गैमेटोजेनेसिस होता है, उस गैमेटोजेनेसिस के बाद फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद फिर जो है वो एक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। पहले क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट हो गया, गैमेट बनेगा तो उसको हम लोग नाम दे देंगे प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन नाम दे देंगे। सेकेंड जब इस प्री फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होगा तो इसको भी जान लेते हैं। इसमें जो है सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, गैमेटोजेनेसिस होता है। सेकेंड इसमें जो इसी बारे प्रोसेस की हम बात करें तो इसी में जो है गैमेट ट्रांसफर भी होता है, गैमेट ट्रांसफर होता है। तो इस तरह से प्री फर्टिलाइजेशन में दो प्रोसेस, एक तो पहले गैमेट बनता है उसके बाद गैमेट का ट्रांसफर होता है, उसके बाद गैमेट ट्रांसफर होकर के मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास पहुंचता है तो सेकेंड स्टेप स्टार्ट हो जाता है फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन तभी होगा कि एक तो उसको उसका उचित प्लेस मिल जाए,
और दूसरी उसको जो है फेवरेबल कंडीशन मिल जाए। यानी इसमें क्या क्या है, एक तो प्लेस आवश्यक है कि वो जो गैमेट जा रहा है वो गैमेट फीमेल गैमेट के पास ही जाए, मेल गैमेट, और दूसरा कंडीशन हो वहां पर एक फेवरेबल कंडीशन होना चाहिए, एक अनुकूल वातावरण होना चाहिए कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट को फ्यूज कर सके। जब वो फ्यूज कर लेता है उसका तीसरा प्रोसेस आ जाता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस आती है और इस पोस्ट फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में यहां पर जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उस फर्टिलाइजेशन के बाद वहां पर एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हो जाता है और वो एम्ब्रियो जो बनता है उसको हम लोग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहते हैं। मीन्स गैमेट, यानी इसको कितना समझ सकते हैं, मान लेते हैं ये एक मेल गैमेट है और एक फीमेल गैमेट, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट, ये मान लेते मेल है और ये मान लेते फीमेल, दोनों आपस में फ्यूज करेगा, ये यहां पर प्री फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में है। जैसे ही आगे बढ़ेगा ये जैसे यहां पहुंचा और ये फ्यूज करके जाइगोट बनेगा, ये प्रोसेस आती है फर्टिलाइजेशन की। और उसके बाद की जो प्रोसेस होती है ये होता है यहां पर एम्ब्रियो बनता है, ये समझ एम्ब्रियो बनता है, मान लेते ये एम्ब्रियो है, तो ये यहां पर प्रोसेस पोस्ट फर्टिलाइजेशन की आती है। मीन्स ये प्री फर्टिलाइजेशन रहेगा, प्री ये फर्टिलाइजेशन और ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में आती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है और एम्ब्रियो से फिर फर्टल बनता है यानी गर्भ बनता है, उसके बाद जो है ये डेवलप करके एक नए जो है शिशु को जन्म देता है। तो इस तरह से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की था। इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कई प्रकार की इसमें जो देखिए पढ़ेंगे हम लोग आगे भी आगे बैंडिफिकेशन पढ़ेंगे, फ्रेगमेंटेशन पढ़ेंगे, स्पॉलेशन पढ़ेंगे, बडिंग पढ़ेंगे, बाइजेमा पढ़ेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ेंगे, ये डिफरेंट टाइप की असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।